तो काम हो गया और अब हम जा रहे हैं नीचे। भैया नीचे जाके चेक कराए और चला भी आए। अब फ्री हो गया, हम अपना क्रिएटिविटी कर सकते हैं। अपने हाथों का हो गया बुरा हाल, ये मेरे देख लो और नितिका के देख लो। हेलो गाइस, दिस इज योर बॉय पारस एंड वेलकम बैक टू आवर व्लॉग्स। तो गाइस आज है day 6 नवरात्रे का। हम सोच रहे हैं आज कीर्तन करें घर पे, तो आज करेंगे या कल करेंगे, तो व्लॉग तो कल आएगा तो देख लेना। अभी फिलहाल का अपडेट आपको बताओ तो मैं तो फ्री हो गया हूँ और हिमांशी रोज की तरह अपना ऑफिस का काम कर रही है और नितिका और मम्मी कुछ इंटरेस्टिंग चीज कर रही है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो मम्मी और नितिका ये नारियल पे चुन्नी बांध रही हैं। क्या मतलब, कुछ ऐसा माना है क्या कि व्लॉग चल जाए ये वो, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं है ऐसे, मतलब नवरात्रों में ऐसे ही नारियल दे रहे हो मंदिर में, ऐसा मन कर रहा है? अच्छा अच्छा। हिमांशी आज डीओ लगा के फुल महक रही है। एक सीन मतलब ये है कि फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही है ना, सेल चल रही है फ्लिपकार्ट पे, तो हिमांशी को डीओज अच्छे लग रहे थे तो उसने फ्लिपकार्ट से ऐड टू कार्ट किया। पर जब वो सेम ऑर्डर उसने अमेजोन पे किया ना, 200 कम में मिल रहे थे अमेजोन पे। मतलब ऐसा कुछ सेल चल रही होगी पर अमेजोन अमेजोन ही है, अमेजोन की बराबरी ना कोई नहीं कर सकता। आई कांट स्पीक एनीथिंग अबाउट अमेजोन बिकॉज़ शी वर्क्स फॉर अमेजोन, क्योंकि ये अमेजोन की एम्प्लॉय है। पर भाई मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि सेम चीज वहां पे भी ऑर्डर करी पर 200 का डिस्काउंट मिला है अमेजोन पे। 6 डीओ मंगाए हैं इन सब के लिए सारे, और मेरे लिए सिर्फ एक। ये ना इंसाफी ना, ये शादी के बाद मैं सह रहा हूँ क्योंकि इसके और उसके ज्यादा और मेरा एक। ऐसा क्यों, हम दो हैं इसलिए 5 और तुम एक है इसलिए एक। इस चीज का बदला जरूर लिया जाएगा। तो मैं अभी आया था टेरेस पे, व्यू कितना सही आ रहा है। एक्चुअली टीवी में कोई इशू आ गया था, टाटा स्काई की छतरी है ना इस पे, ये रिसीवर लगा होता है, ये खराब हो गया था। टाटा स्काई से भैया आए हैं और वो अभी रिसीवर लगाएंगे। पापा नीचे खड़े हुए हैं वहाँ, जो भी पता नहीं लग रहा ना, एक ये है एक ये है एक ये है, तो कौन सी है? तो फाइनली ये वाली है और एक ये है, तो दोनों का रिसीवर ख़राब है तो चेंज कराते हैं। क्योंकि मुझे इन सब का ना कुछ आइडिया नहीं है, पापा ने लगवाई हुई है छत पे सारी, मुझे पता नहीं था कि ये इशू है, क्योंकि पापा कह रहे थे मैं थका हूँ तो तू ही चले जा, तो फटाफट लगवाते हैं और फिर चलते हैं। अभी भी मुझे वेट करना पड़ रहा है, भैया गए नीचे क्योंकि ये रिसीवर तो लगा दिए, देखो जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा था, ये रिसीवर तो लगा दिया पर नीचे सिग्नल ही नहीं आ रहे दोबारा, तो भैया नीचे गए हैं और नीचे जाके चेक कर रहे कि क्या इशू आ रहा है, क्योंकि ऊपर से इतनी तेज से चिल्ला रहे हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा नीचे क्या हो रहा है। तो काम हो गया और अब हम जा रहे हैं नीचे, भैया नीचे जाके चेक कराए और चला भी आए। कुछ सेटिंग थी वो पापा या हिमांशी किसी से हो नहीं रही थी, तो अब नीचे जाके मिलते हैं। मैं नीचे आ गया था और आते मैंने कुछ खाया और कुछ पिया क्योंकि बहुत भूख लग रही थी और गर्मी भी लग रही थी। बाकी टीवी तो ओके हो चुका है और फुल सिग्नल आ रहे हैं अब। उसका ना वो वाइट वाला जो मैंने आपको दिखाया था वही टूट गया था, पता नहीं कौन ऊपर तोड़ देता है क्या करता है, हम तो इतनी ऊपर जाके हर बार चेक नहीं कर सकते। ठीक है कोई नहीं। और जैसे ही मैं नीचे आया मैंने देखा ये रूम में आके सो गई, नारियल में चुन्नी लपेट के थक गए थे मैडम और सो गए हो हैं, इतने थक गए थे सो गए हो। मैंने स्पेशली ये व्लॉग इसलिए बनाया क्योंकि आज हम ना बहुत क्रिएटिविटी वाला काम करने वाले हैं, तो उठो ना यार बहुत मजा आएगा। तो जो क्रिएटिविटी वाला काम है वो मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाता हूँ। नितिका को भी नहीं पता, आपने एक क्रिएटिविटी तो मेरी देखी थी जब मैंने मेकअप किया था कितना सही किया था, आज दूसरी क्रिएटिविटी देखोगे ना यार पारस ऐसा कुछ नहीं करने वाले, मैं आपके साथ कुछ नहीं कर रहा, तो मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट जाके। मैं जो आज क्रिएटिविटी करने वाला हूँ वो अपने पुदीने के गमले के साथ करने वाला हूँ। देखो कितना गंदा लग रहा है, पुराना हो गया है बहुत, तो मैंने सोचा कि नया क्यों लाएं जब एक चीज़ पड़ी हुई है, और हमने उसमें पुदीने के जो सीड्स है वो भी उगाने के लिए कर ही दी है सब कुछ, तो मैंने सोचा कि इसको आज पेंट करते हैं, मज़ा आएगा बहुत। पर सुनो, एक फेस पे मेकअप करना एक अलग चीज़ होती है और एक गमले पे पेंट करना उसको क्रिएटिव बनाना कितना अलग चीज़ होती है। मैं सोच रहा हूँ उसको अंदर ले आए,
अंदर लेके आगे करेंगे, बाहर नहीं करेंगे, बाहर इतनी गर्मी हो रही है। गंदा नहीं कर सकते, घर गंदा नहीं होगा, बाहर ही करोगे तुम। नहीं नहीं अभी अंदर ला रहा हूँ, यहाँ पे आराम से कुछ चीज बिछा लेंगे जैसे चादर हो गई, और आराम से करेंगे। मेरे पास सारे ब्रशेस वाटर कलर सब पड़ा हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो वी आर बैक। एक्चुअली हमें कोई काम आ गया था, पापा ने कोई काम बोला था, इसलिए हमें जाना पड़ा, और अब हम आए हैं। अब फ्री हो के हम अपना क्रिएटिविटी कर सकते हैं। मुझे कोई ट्रस्ट है इसकी क्रिएटिविटी में। मेरी टी शर्ट हाँ तो अलमीरा में से ढूंढ के निकाली है। हिमांशी का ये और ये हिमांशी का चप्पल मम्मी की। तो फिर अभी हम फटाफट स्टार्ट करते हैं, मैं उठा के ला रहा हूँ गमला। ये है हमारा सेटअप, इसके ऊपर पारस रखेगा गमला, क्योंकि मैंने बोला कि फ्लोर पे गंद नहीं मचना चाहिए। वही क्या हो रहा है मम्मा व्लॉग हो रहा है। हम ये पारस नहीं, ये पारस का आइडिया देख लो, कह रहे गमला पे गमला पेंट करूंगा इसके ऊपर। चादर गंदी नहीं होनी चाहिए। मम्मी को अपनी चादर की टेंशन है, मेरे को यहाँ की जगह की। पिल्लो कवर क्यों? उसके ऊपर बिछा लो। पारस को ऐसे ही आइडिया आते हैं जिससे हमें डर लगता है, मेरे को भी और मम्मी को। पहले मैंने अपने फेस पे तो रिस्क ले लिया, पर अब मम्मी की चादर पे रिस्क होने वाला है। अब क्या होगा वो तो आप ही देखोगे। एज पर मम्मी के इंस्ट्रक्शंस हमने इसके ऊपर ये वाला भी कपड़ा बिछाया ताकि चादर गंदी ना हो। गमला लेने और इसके अंदर चल रहे हैं बहुत सारे कीड़े। अब इसको पारस इसको पहले क्लीन भी करना होता है जो हम रोज करते हैं, तो आप पहले क्लीन करो और फिर उठा के गमला अंदर लेके जाओ। देखो इधर आओ। क्या पुदीना? वो थोड़ा सा पुदीना आया है, ये देखना मिश्री डाल दिया, मिश्री डाल। पता नहीं कौन डालता है ये, इधर मूली मिश्री। हमारे पास है व्हाइट, ब्राउन, 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 रेड, येलो, सारे तो ब्राउन ही है, फिर कलर क्या करोगे? व्हाइट मिक्सचर करेंगे, क्रिएटिविटी यही तो होती है। तुम्हारी क्रिएटिविटी दुनिया देखो, कलर है उसी से ही अगर हम करेंगे तो वो क्रिएटिविटी होती है। अच्छा। ये नहीं कि पहले सोचो कि क्या करना है फिर वो लेके आओ कलर, हमारे पास जो है हम उसी में करेंगे। गमले तेरा वही हाल होगा जो मेरा हुआ था। शिया हमारे पास ज्यादा ब्राउन है, ब्राउन कलर ज्यादा। नहीं ब्राउन नहीं करना, मैं मिक्स कर दूंगी कलर्स, तो मैं कलर्स बना दूंगी। नहीं ओह माय गॉड, ये आई थिंक सूख गए हैं। नहीं नहीं इसमें पानी डाल के ठीक करती हूँ ना। मैंने कितने प्रॉपर वे से लगाया था, इसने तबाह कर दिया पूरी तरह। क्या करना है? पहले ब्राउन करेंगे, पहले ब्राउन, फिर रेड येलो, फिर ब्राउन। सही तो यार, अब जो ग्रीन भी तो है। चलो बस जल्दी कर दो जो भी कर। तो गाइस बहुत मजा आएगा। सुनो मैंने, आप यहाँ से यहाँ तक कर दो बस, इससे नीचे मत जाना क्योंकि मेरी भी मार्किंग खराब हो जाएगी। पारस के साथ हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम होता है। ज्यादा पेंटर बन रहा था ना, इसका ब्रश ही टूट गया। सी गाइस, कोई नहीं हमारे पास और है, और नहीं अगर ये भी टूट गया तो फिर। गाइस मैंने पहले ही न्यू ब्रश ले लिया था, आई एम स्मार्ट। यार आप कितना गंदा कर रहे हो यार, इतना सही लग रहा है। मैं ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट आती थी स्कूल में। एक मिनट गाइस, अभी मैं एक चीज बता दिखाता हूँ, मैं बताऊंगा क्या बताने से कुछ नहीं। अगर अगर लगू ये वीडियो देख रहे होगी तो कहेगी कभी पार्ट भी लिया था ड्राइंग कंपटीशन में। देखो गाइस मैंने ऊपर वाला किया, मेरा ज्यादा ठीक है बाउंड्री, और ये देख लो थोपने वाला काम होता है, सारा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है मेरे में, देख लो हल्का सा भी नहीं दिख रहा होगा। तुमने अपनी अच्छी जगह चूज करी है ये थोपना। अब ये वाला ब्रश मेरे को देना। नहीं 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 गाइस ये देखो मेरा न्यू ब्रश ले रहे हैं। मैं प्लीज यार, यार मेरे को बिना अच्छी तरह नहीं हो रहा उससे, तो मैं अच्छी तरह दिखाऊंगा ना आपको। गाइस देखो हमने हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। इतना ब्राउन हमारा हो चुका है, फिर रेड कर रहे हैं और फिर देखते हैं कि इसकी लुक कैसी आती है, क्योंकि ब्राउन में तो अभी फिलहाल अच्छी लुक आ रही है, ये इन्हें शुरू कर दिया है।
अभी दादी को भेजा था ब्रश लेके आने के लिए क्योंकि पास में ही शॉप है, पर वहां से ब्रश नहीं मिला, तो अब हमें वीडियो कंप्लीट करनी है, इतना टाइम तो है नहीं। तो ये स्पॉन्ज था, ये मेरे पास पड़ा हुआ था उसी सामान में, तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा मतलब जितना हो सके इससे कर लेता हूँ, फिर बॉर्डर बनाने के लिए ब्रश का यूज कर लेंगे। बाकी नितिका भी कर रही है तो मैं बैक साइड से रेड कर देता हूँ। ये बहुत सही चीज है, अपने हाथों का हो गया बुरा हाल, ये मेरे देख लो और नितिका के देख लो, बहुत बुरा हाल हो गया। बट अभी मैं आपको अभी गमला दिखाऊं ना, बहुत सही लग रहा है। ये तो आइडिया दोनों का था, पर ये जो आइडिया है ना ये नितिका का था। अंदर से ये वाला भी हमने पूरा वाइट कर दिया और ये हमने किया फेविकॉल से, और शुक्र है कि ये वाली चुन्नी बिछा ली थी मम्मी की चादर को, कुछ नहीं हुआ। इसका हो गया बुरा हाल, ये देखो प्लेट सारे कलर खत्म हो गए हैं। अभी हम इसको थोड़ा सूखने देते हैं, ये भी थोड़ा सूख जाएगा, या फिर बाहर भी रख सकते हैं ना। हाँ, रख सक, मैं ही सूख जाएगा बाहर, बट गया है उठा के लेके जाने में, फिर थोड़ा तो सूखे उसके बाद इसको बाहर लेके जाते हैं। तो अभी हम फैन ऑन कर देते हैं और थोड़ा एसी भी चला देते हैं ताकि ये पूरा सूख जाए। तो फिर फटाफट साफ सफाई करके आपसे फिर मिलते हैं। ये पूरी तरह सूख गया है और अब हम इसको रखेंगे बाहर और फिर मम्मी और हिमांशी का रिएक्शन लेते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। चलो फिर उठो उठो, चलो लेके चलते हैं। सूखा नहीं अभी? फेविकॉल अभी नहीं, अभी लगाया ना, इसको सूखे। तो गाइस ये आ गया है अपनी जगह पे, आप देखो कितना तो प्रिटी लग रहा है, ये तो सबसे सुंदर है ही। अब बेचारा ये भी बचा है, पर ये तो ऑलरेडी इसको इसका भी कुछ भी कर देंगे। बट ये देखो ये तो सबसे सुंदर लग रहा है। मम्मी को बुलाते हैं और पूछते हैं कैसा लग रहा है। चलो अब हम सबके रिएक्शन लेते हैं। अच्छा लग रहा है? पहले तो कैसा सा था ना ये, पर लो पारे लोग सोचेंगे कि ये फैमिली पुदीने के पौधे के साथ इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। मैं बताऊँ क्या, हमें इंटरेस्ट नहीं था जब नर्सरी से होके आए ना, तो फिर ये ना बहुत अजीब सा लग रहा था। और अब देखो भाई, क्योंकि हमने वहाँ इतने सुंदर सुंदर देखे, अभी और भी लेंगे। मुझे सबसे अच्छा यही लग रहा है, थोड़े थोड़े पुदीने आ रहे हैं ना, मुझे भी सबसे अच्छा यही लग रहा है। तो ये हो गया, अब ये बचा, इसको भी हम कर लेंगे अभी। हमारा जो चुल थी ना हमारी, वो खत्म हो गई आज की। इसके साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। होप सो आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।